तो चलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर की ये सीरीज। आई होप कि जो पहले वाले जो सीरीज है वो आप देख रहे होंगे और बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ यार, ठीक है, कि वो लोग अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है पार्टिकल मूव अंडर द फोर्स। ये जो फोर्स है एक वेरिएबल फोर्स है। अगर एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस फोर्स के इफेक्ट से मूव कर रहा, और ये फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट है, देख रहे हो आप, सी कांस्टेंट है, एक्स पोजीशन है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो एक्स की वैल्यू एक्स वन हो चुकी होगी, बदल चुकी होगी। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस, अब देखो, तो वर्क डन बाई कॉन्स्टेंट फोर्स है और वेरिएबल फोर्स है, उनके फार्मूले क्या हैं बच्चों, अलग अलग है, ठीक है ना। तो अगर मैं कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन देखूंगा तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, दिस इज द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। अगर मैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लिखता हूँ तो उसका फार्मूला है एफ डॉट डी एक्स, समझ में आ गया, लिमिट एक्स वन से एक्स टू तक। तो अभी ये वाला लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूँ तो वर्क डन बाई कॉन्स्टेंट फोर्स, तो बाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और ये फोर्स भी इधर लग रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डी एक्स कॉस जीरो, थीटा इनके बीच का जीरो एंगल है। तो अगर थीटा जीरो है तो एक्स वन की वैल्यू जीरो थी, यहाँ पर लिमिट एक्स वन था, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट एक्स टू है, तो एक्स टू की वैल्यू यहाँ एक्स वन हो गई, कॉस जीरो हो गया। फोर्स की वैल्यू डाल दो, फोर्स की वैल्यू क्या है, सी एक्स और ये डी एक्स, ठीक ना, और यहाँ जो है जीरो से एक्स वन, सी बाहर आ गया और एक्स वन, एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा और यहाँ जाएगा जीरो से एक्स वन लिमिट, ठीक ना। तो यह जाएगा सी बाई टू एक्स वन का होल स्क्वायर, इसको मैं रखूँगा, दिस इज द वर्क डन बाई दिस फोर्स, ठीक है ना। तो इससे अपना बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है ना। अपना बहुत ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।